हमारा नाम गुरु पीरों पर उठाया हुआ बहुत छोटा सा नाम महंत लाल गिरी नागा बाबा जी। महंत लाल गिरी नागा बाबा जी। और ये मतलब आपने ये कब से? 20 साल हो रहे हैं। 20 साल हो गया जी। अभी आपकी उम्र क्या है? अभी 32 है जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी फतेहपुर जिला में हमारा जन्म है। फतेहपुर। घर में और कौन कौन था? माता पिता भाई बहन सभी हैं। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 6 भाई हैं। आप कौन सा नंबर के? हमारा दूसरा नंबर है। बड़ी बहन है, सबसे बड़े भाई हैं, भाई से छोटी बहन है, बहन से छोटे हम लोग। तो तीसरा नंबर जी? तीसरा नंबर। तो अचानक इस तरफ झुकाव कैसे हो? इस तरफ हमारे परम पूज्य श्री पिताजी थे, बड़े भाई साहब हमारे यानी दादाजी, वो साधु थे, हैं साथ में। अच्छा, तो परिवार में है परंपरा ये? हाँ जी, नहीं परिवार में नहीं है, बस वो हैं, फिर हमें उन वो सूर्य यहाँ दिखाई नहीं देता थोड़ा उनको, तो हम उनकी सेवा में रहते थे। अच्छा, सेवा में रहते रहते जी 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 जी। अच्छा, साथ में लेकर? हाँ जी 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 जी। फिर हम हो रहे, जब रम रहे उसी में, तो फिर आनंद आया। कैसा लगता है जीवन? हमको आनंद आ रहा है जीवन, भजन करना है भगवान की। गुरु महाराज जी हैं अब हमारे प्रेम नगर हरदासपुर सानी जिला फतेहपुर में, फिर उनके शरण गए। उनका नाम है परम पूज्य श्री महंत अमरगिरी जी महाराज, मतलब महंत अमरगिरी जी महाराज हमारे दादा गुरु जी हैं, श्री महंत घनश्याम गिरी जी महाराज, श्री शंभू पंचदश नाम आवाहन अखाड़े से। अच्छा, वो अखाड़ा रहे जी? आप शुरू से इसी अखाड़े में घूम रहे हैं? हाँ जी। आप शुरू से इसी अखाड़े? जी 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 जी। तो जब आप लोग इस तरह से कहीं मेले में नहीं आते, उस समय आप लोग क्या कर रहे हो? उस समय अपने कुटिया है हमारी। कहाँ पे? हमारी कुटिया पड़ती है कौशाम्बी जिले में। कौशाम्बी? हाँ जी। और यानी फतेहपुर कौशाम्बी का बॉर्डर है हमारा स्थान, हम स्वयं चेतन कर रहे हैं अपने हाथ से। हाँ जी, हमारे स्थान का नाम श्री कैलाश धाम शिवकुटी। हाँ जी, स्थान ब्रह्मदेव बाबा का है, और मजरा कोरियों का नया पुरवा लगता है। अच्छा, आप लोग जैसे मेले में रहते हैं तो लोग आप लोगों से मिलने आते हैं, आशीर्वाद देते हैं? जी जी, आशीर्वाद देते तो हैं। तो लोगों को देख के आप लोग के मन में कभी ऐसा नहीं लगता कि हम लोग ये संसार छोड़कर इधर आ गए? ना 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 ना, उधर भी जा सकते थे? ना ना, ऐसा नहीं। तो उनको देख के दया आती है या थोड़ा ईर्ष्या जैसा कुछ लगता है? नहीं, दया तो आती ही है, दया आती है। जैसे अब कोई दुखी है तो उसके ऊपर दया आती है। हमारा धर्म है, हम पर स्वार्थ के कारण साधुन धरो शरीर, हमारे से जितना भलाई हो सके उतनी हम भलाई करें, ये हमारा धर्म है। हमारे पास आते हैं, बोलते हैं बाबा जी हम बहुत परेशान हैं, और हमको फलाने आदमी ने बहुत परेशान किया, आप ऐसा करिए, उनको ऐसा बना दीजिए कि वो परेशान हो जाएं, दुखी रहें। तो साधु का ये धर्म है नहीं कि एक को खुश करने के लिए दूसरे को दुखी करें। दुखी करें, जहाँ तक हो सके उसका दुख दूर करो, दुखी नहीं करना है, दुख दूर करना है, ये धर्म है हमारा। और अपने श्री धर्म ध्वजा की नाम ऊंचा करना, यही हमारा कर्तव्य है। नागा सन्यासी संकट में अस्त्र भी उठाते हैं? हाँ जी। तो अस्त्र विद्या आप लोग कहाँ से लेते हैं? अस्त्र विद्या अखाड़े में मिलती है हमारे, अपने अखाड़े में? अखाड़े में मिलती है जी। अभ्यास करते हैं? जी, अभ्यास करते हैं। तो आप क्या क्या चलाते हैं? हम चलाते नहीं हैं अस्त्र शस्त्र। अच्छा। हमारे पास हैं सब कुछ, लिए रहते हैं, लेके चलना ऐलान है हमारा, जो हम लेके चल सकते हैं। तलवार है, भाला है, फरसा है, कुल्हाड़ा है, ये सब हम लेके चल सकते हैं। कभी सिद्ध नहीं किया किसी अस्त्र? आज कभी किसी अस्त्र को सिद्ध नहीं किया? नहीं, सिद्ध तो है हमारा स्थान है, वो वहाँ वहीं रखा हुआ स्थान में हमारे, लेके नहीं चले, लेके नहीं चलते हम। तो प्रेम से जितना काम हो जाए उतना? बस बस जी जी जी। लड़ने भिड़ने की नौबत ना? हम लड़ते भिड़ते नहीं है किसी से, ना लड़ना भिड़ना में नहीं जानते। बहुत प्यारे से पुनी लगते हो देखने से जी? बहुत प्यारे लगते हो वैसे भी देखने से, हमेशा खुश रहने वाला। ये तो
ये तो हमारे गुरु जी परम पूज्य श्री अमरगिरी जी महाराज जी की कृपा हमारे ऊपर, आशीर्वाद हमारा उनको उनके बना है हमारा हमारे शरीर में जो हम चल रहे हैं। वही प्रसन्नता आज तक हमारे ऊपर कोई विपत्ति आई नहीं है ऐसी कि हमें अस्त्र शस्त्र उठाना पड़े, और जब आएगा तो फिर वो भी सामना करेंगे। नहीं आएगा, लेकिन आएगा नहीं, हमारा ऐसे आचार विचार है, आएगा ही नहीं हमारे पास। हमारे आवाज़ में थोड़ा सा तोतलापन है, आप समझ रहे होंगे बोली में, नहीं साफ आ रही आवाज़ से। तो अब इसके बाद में अब ज़्यादा क्या बोलें, हैं धुन बजाना कहाँ से सीखे? ये तो हम अपने मन से सीखते हैं। हाँ जी, हम थाली का चक्र भी चलाते हैं, जैसे अखाड़े में सब प्रदर्शन अपना अपना दिखाते हैं, तो हम तो थाली का चक्र चलाते हैं उंगली में, ऐसे ऐसे थाली मिलेगी, ऊपर से उछाल देंगे फिर हाथ में लेंगे ऐसे। है थाली है? नहीं यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो होगी किसी के पास तो दिखा भी देंगे, जैसे किसी का कटोरे का ढक्कन हो बड़ा सा, थोड़ा इतना बड़ा हो उसको चला देंगे, हाँ चला देंगे। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।